मध्य प्रदेश के खरगोन में कड़वे नीम के पेड़ से निकल रहा मीठा दूध लोगों के कौतूहल का कारण बना। आसपास के रहवासी पहुंच रहे देखने, वनस्पति शास्त्र के विशेषज्ञ और प्रोफेसर ने देखा नीम के पेड़ से निकलता मीठा दूध, बताया इसको औषधि महत्व। जिला मुख्यालय स्थित होमगार्ड कमांडेंट ऑफिस के ठीक पीछे स्थित नीम के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलने से लोगों में कौतूहल मचा हुआ है। जिज्ञासावश कई लोग देखने पहुंचे, कुछ लोग बोतल में भरकर ले गए, कुछ ने गिरते मीठे दूध को टेस्ट भी किया। कड़वे नीम से मीठा दूध निकलने से लोग आश्चर्यचकित है। बात जब पीजी कॉलेज के वनस्पति शास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर NL डुलकर ने को सूचना मिली तो वे भी नीम के पेड़ को देखने पहुंच गए। उन्होंने नीम के पेड़ से निकलते दूध का सैंपल लिया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये जो है भैया, नीम का पेड़ जो है बहुत बड़ा मेडिसिनल प्लांट है हमारे निमाड़ में। चूँकि निमाड़ के अंदर नीम की मात्रा बहुतायत है, इसमें कम से कम 5-7 जगह ये उदाहरण देखने को मिले अभी इसी साल के अंदर। महेश्वर में मेरे को सुनने में आया था, 3-4 महीने पहले की बात है, तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से झाग सफ़ेद निकल रहा है। तो ये इसका बायोकेमिकल एनालिसिस, जैव रासायनिक परीक्षण करने के बाद पता लगेगा कि इसके अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व, खनिज तत्व मिले हैं इसके अंदर। और इसका सबसे बड़ा कारण है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। इसका कार्य की क्रियाएं इसके अंदर होती, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जिसके फलस्वरूप इसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो कार्बनिक पदार्थ इसमें से एक्सूड होते हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं। ये यानी इसके बार्क को तोड़ करके, छाल को तोड़ करके बाहर आ रहा है ये। और ये तो साइंटिफिक बात हो गई, बॉटनिकल बात हो गई। चूँकि हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा, पुराने लोग भी हमारे गांव में उपयोग करते हैं, गांव के अनुसार ये क्या करते हैं, गांव के लोग इसको बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत बड़ा मेडिसिनल प्लांट है, बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है। नीम है, तुलसी है, बहुत एंटीबायोटिक पेड़ पौधे माने जाते हैं। और इसका जो अभी जो एक्सूट ले, 2 डब्बे करीब बता रहे कि ले गए यहाँ से, तो ये धातु पुष्टि के लिए, दूसरा खुजली रोगों के लिए, कई प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत बड़ा आयुर्वेदिक वृक्ष है ये नीम का पेड़, जैसे नीम के अलावा पीपल भी है, बड़ भी है, लेकिन नीम के अंदर उदाहरण ये ऐसे साल में हमको देखने को मिल रहा है। तो इसका चूँकि बायोकेमिकल करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, उसके बाद फिर अपन तय कर पाएंगे कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से इसमें जो निकला है वो किस टाइप का पदार्थ है। तो आप ले जाएंगे सर इसको लेबोरेटरी में चेक करेंगे? हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।